तो चलिए शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 60 लोगों को गोली मार दी और यहां पर हत्या कर दी गई। सोपर इलाके में आतंकी हमला किया गया है, 60 लोगों की मौत, 5 लोग यहां पर घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों का टारगेट जो है गैर कश्मीरी है, क्योंकि दो दिन पहले भी इसी तरह से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया था। 60 लोगों की हत्या के मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ने की। आखिर ये कौन से लोग जो घाटी में अभी भी चाहते हैं कि शांति ना रहे, अशांति फैलाना चाहते हैं, आतंकियों के निशाने पर कौन है, देखिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हैं, दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग हैं, यही नहीं गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडित, यानी कि टारगेट किलिंग की जो बार बार बात सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय में चुने गए लोग भी हैं इनके निशाने पर। देखिए पिछले 2 साल में टारगेट किलिंग कब कब हुई है। 26 फरवरी 2023 पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई, 29 मई 2023 अनंतनाग में जम्मू निवासी दीपक की हत्या की गई, वहीं इसी कड़ी में 15 अक्टूबर 2022 शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी, अगस्त 2022 शोपिया में बिहार के 3 मजदूरों की हत्या की गई थी, नवंबर 2022 शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या की गई थी, 26 फरवरी 2023। देखिए जम्मू कश्मीर में कायराना हमला लगातार की जा रही है और सेना को किस तरह से कहा गया कि आप आतंकियों को बख्शे नहीं, क्योंकि जहां पर भी आतंकी छुपे हैं जमीन से उनको निकालकर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और आतंकियों पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन और ये अभियान इस समय जारी है। आतंकी हमले की देखिए कड़ी निंदा की है, मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है, पुलिस और सेना को खुली छूट है, मनोज सिन्हा ने कहा जो कि LG है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पूरी तरह से साफ करने के लिए यह मिशन आतंक लगातार चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है, हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए बाहरी लोगों को, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे और मार गिराएंगे। वही दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और जब लड़ाई हुई तो वहां पर एक शख्स को देखिए गोली लग गई जिसकी मौत हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहांगीरपुरी दिल्ली की, 2 गुटों में फायरिंग के बाद एक शख्स की मौत और इस समय पूरे इलाके में पुलिस अब आरोपियों को ढूंढने में लगी है, तलाश अब कर रही है। जहांगीरपुरी की यह तस्वीर, 2 गुटों में झड़प हुई, फायरिंग में गोली लगने के बाद एक शख्स की मौत हुई जबकि दूसरे पक्ष के लोग गोली लगने से घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 तस्वीरें हैं जहांगीरपुरी में फायरिंग की और गोलीबारी के बाद तनाव का वहां पर माहौल है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और देख रही है कि आखिर हर एक पहलुओं पर कौन से वो आरोपी थे और इस विवाद की असली वजह क्या थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल पर देखिए मुआयना किया है। जहांगीरपुरी के फायरिंग की ये तस्वीरें, अब पुलिस पूरे मामले की जांच में, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर कि आखिर ये कौन से लोग हैं। वही जहांगीरपुरी में जहां पर ये फायरिंग की गई, 2 गुटों में जहां पर झड़प हुई, एक शख्स की मौत हो गई, रिपब्लिक भारत के संवाददाता शाहिल वहां पर पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए वहां की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच जमकर कई राउंड फायरिंग होती है जिसमें 3 लोगों को गोली लगती है। दीपक नाम के शख्स की मौत हो चुकी है, जो अन्य 2 शख्स हैं नरेंद्र और सूरज जो कि दूसरे गुट के बताए जा रहे हैं वो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पास मौजूद हूँ, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर वाला पार्क कहलाया जाता है और इसी जगह पर जो है इंसिडेंट हुआ है। शाम 5 बजे के आसपास 2 गुट जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि जब दोनों गुटों के लड़के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है। झड़प इस कदर बढ़ती है कि दोनों गुटों की तरफ से जो है गोलीबारी शुरू की जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 जो राउंड फायर हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा
पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन जो दो लड़के हैं नरेंद्र और सूरज जो कि दूसरे गुट के बताए जा रहे हैं वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके अलावा जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जो दीपक है बताया जा रहा है कि वो इलाके का अपराधी है और दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जिस जगह पे वारदात हुई है उसके आसपास हालांकि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इलाके में जो अन्य जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ये देख सकते ये पार्क पूरा हिस्सा है, इसी जगह पे गोलीबारी होती है। अब फिलहाल पुलिस टीम मौके पे मौजूद है और जो बुलेट के जो शेल हैं उनको यहाँ से एकत्रित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम मौके पे मौजूद है, तमाम एविडेंस जो है वो यहाँ पे एकत्रित किए जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो चाकू का जो कवर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, पुलिस ने इस पूरे हिस्से को मार्क किया हुआ है। तो माना जाए कि चाकू भी जो लड़के थे वो अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन असल वजह हत्या की गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगी कि आखिरकार किन कारणों से दो गुटों के बीच जमकर राउंड फायरिंग होती है और किस कारण इन्होंने गोलियां चलाई और हत्या के पीछे की क्या वजह है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं बहराइच में आपने भेड़िये और तेंदुओं की दहशत तो देखी, लेकिन अब बाघ ने भी वहां पर आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया बाघ ने। एक किसान जो खेत में काम कर रहा था उस पर बाघ ने हमला किया, गर्दन पर हमला करके उसकी गर्दन तक को चबा गया। हमले में एक युवक घायल है। बड़ी अपडेट ये बाघ के हमले में एक युवक की मौत भी हो गई। आप देखिए इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वन विभाग ने लगातार एक्शन लिया था जब तेंदुए और वहां पर दहशत थी बहराइच के अंदर। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से अब इसकी पूरी जांच अब की जा रही है, क्योंकि गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला किया, गर्दन चबाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। एक बाघ ने एक किसान को मौत के घाट उतार दिया, बाघ ने उसकी गर्दन पर हमला किया। क्योंकि अभी तक आपने तेंदुए और भेड़िए की दहशत तो देखी थी बहराइच में, लेकिन अब बाघ का भी अब दहशत लोगों में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर फिलहाल लेबनान पर इसराइल का हमला, लेबनान पर इसराइल का हमला हुआ। इसराइल लगातार इस समय हमले कर रहा है क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है इसराइल भी। नेतन्याहू पर जिस तरह से हमला किया गया था शनिवार की मौत के बाद, लेकिन इसराइल अब एक एक करके बदलाव लेने की तैयारी कर रहा है। देखिए हमले के दौरान की ये तस्वीरें, रिहायशी इलाके पर हमला किया गया, हमले में इमारत किस तरह से ध्वस्त हो गई, आवाज आप सुनिए और कितनी भीषण ये आवाज है, कितना भयंकर ये धमाका है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी युद्ध के मैदान में ये जंग अभी जारी रहने वाली है। मिडल ईस्ट में जो आहट इस समय सुनाई दे रही है भयंकर युद्ध की, लेकिन पूरी दुनिया भर पे इसका प्रभाव इस समय पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान पर इसराइल का ये अटैक, लेबनान पर देखिए इसराइल के अटैक से इमारत वहां पर ध्वस्त हो गई और इसराइल का अटैक अभी इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा शनिवार की मौत के बाद इस समय लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ इस समय कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज रही है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संभावित बुलडोजर एक्शन पर अब रोक अब लगा दिया है। रिपोर्ट में आप देखिए, बहराइच में नहीं चलेगा बुलडोजर। संभावित बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाया स्टे। 13 अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में जो आग लगाई, अब उस पर बुलडोजर कार्रवाई की बारी। रामगोपाल मिश्रा के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले जिहादी कट्टरपंथियों को वार्निंग और पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन जब प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने दिया था तो वो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई देने भी लगी थी। लेकिन इन सबके बीच बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर 15 दिन तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों को फिलहाल राहत दे दी है। इसी के साथ मामले से जुड़े 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए
15 दिन का वक्त दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। आरोपी पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार पर टारगेट करने का आरोप लगाया था। अपनी अर्जी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई करने जा रही है।